तो चलिए बेटा, हमने कल कौन भी किया था, हॉलो कौन सॉलिड स्फीयर थे, हॉलो स्फीयर नहीं किया हमने, वो केस किया था जिसमें हमने डिस्क हॉलो डिस्क ली ना, डिस्क के ली थी, डिस्क को बीच में कैविटी थी ना, एनुलर डिस्क, लेकिन उसमें मैंने जो सिग्मा दिया था वो वैरिंग सिग्मा था कि नहीं। फिर मैंने आपको कहा वी कैन हैव अ केस बेटा जहां पर आपका सिग्मा जो है वो कॉन्स्टेंट होगा, तो क्या करेंगे आप, वो जो मैंने कॉन्सेप्ट दिखाया था, प्लस वो क्वेश्चन करिए, फॉर एग्जाम्पल यू गॉट अ डिस्क, इट इज एन एनुलर डिस्क, आप क्या होना एनुलर डिस्क, नाउ एनुलर डिस्क में क्या है बेटा, एक कैविटी की, ठीक, इसका मास हम m मानते हैं, इसका रेडियस जो है, इसका रेडियस जो है, से फॉर एग्जांपल अंदर वाले पोर्शन का रेडियस है a और बाहर वाले पोर्शन का रेडियस है b, इसे आप कैविटी मानते हैं, ठीक, और आपका पोर्शन जो है इफेक्टिव पोर्शन से चाहिए, ठीक सर, कैन यू टेल मी हाउ डू यू फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस डिस्क With respect to say this axis, शाबाश। Approach करूँ तिथे के इंसान सोच, तलब बनियो क्या कर? शाबाश। गोड़ क्या करूँ? Exactly. We'll take a small element, जैसे कि say for example, हम ये ले रहे हैं, ठीक है ना? ये पोर्शन मिल गया, इस पोर्शन की थिकनेस से dr, ठीक है, एंड से फॉर एग्जाम्पल इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ r फ्रॉम द सेंटर, ठीक है। नाउ बेटा ये डिस्क चूंकि है तो आसा डिस्क के आए से उनके डिस्क ना सरफेस, तो इसमें सरफेस डेंसिटी होगी, तो क्या है इस तरह बताओ, हाँ सिग्मा वो क्या होगा, मास पर यूनिट एरिया, जरा बताओ इसका एरिया क्या होगा, बाहर वाले रिंग का पाई बी स्क्वायर, अंदर वाले का पाई ए स्क्वायर, तो वही तो सबट्रैक्ट करेंगे फिर ये वाला मिल जाएगा, तो इफेक्टिवली पाई बी स्क्वायर शाबाश माइनस ए स्क्वायर, ये आएगा रिजल्ट सिग्मा। नाउ बेटा जो ये हमने एलिमेंट यहाँ पे लिया अथा इसने डी एम वजन सुकर है बराबर चला वन जीरो शाबाश, वो होगा सिग्मा इंटू स्मॉल एरिया, होगा कि नहीं, सिग्मा क्या है एम बाई पाई शाबाश बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इंटू डी ए, वन हारून इसका इस एलिमेंट का एरिया क्या है बेटा शाबाश, टू पाई आर एग्जैक्टली डी आर, टू पाई आर डी आर है कि नहीं, ताचो वजह लेंथ इंटू ब्रेड फीचा करो कि नहीं, कैसे करो लेंथ टू पाई थिन छो ना, तो चलिए डीएम आ गया, तो बताओ इसकी वजह से छोटा सा अमाउंट ऑफ इनर्शिया होगा, बताओ कितना होगा शाबाश डी आई सुखा था इस बार बराबर, हाँ पढ़ा हमने डीएम इनटू क्या आर स्क्वायर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन टू आर, ठीक है, वन से जिगर तक इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, तो यहाँ से आई आएगा, डीएम को लिखते हैं क्या आएगा एम बाय शाबाश पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर टू पाई, तो रोज यहाँ पर ये आर थी, ये आर स्क्वायर क्या बन गए आर क्यूब डी आर, ठीक है कि नहीं, तो बता दो इंटेग्रल इस पे लगेगा सिर्फ, ठीक है, लेकिन लिमिट्स क्या दोगे शाबाश ए टू बी, वन से आएगा बराबर पाई एंड पाई विल गो, इट विल बी टू एम बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, आर क्यूब की इंटीग्रेशन क्या है आर फोर बाय फोर, लिमिट्स क्या दे मोस्ट ए टू बी, ठीक है, चलो वन जगह तो क्या मेरे शाबाश, which implies हाँ I is equal to 2m by 4 times ना b square minus a square, तो ये थोड़ी सी b raised power 4 minus a raised power 4, ठीक है, can you simplify it, I is equal to शाबाश बोलेगा ये m by 2 times b square minus a square, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको exactly इसको लिख सकते हैं b square minus a square इंटू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, शो माना कैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी को ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, कैसे हुआ ए प्लस बी ए माइनस बी बनने बाद स्क्वायर करो फोर, ए ये है बी ये है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए शायद बी स्क्वायर बोलते तेरी पार्टी फिर, तो इसमें मुझे लग रहा है ये और ये कैंसिल हो गया,
तो बताओ क्या आ रहा है क्या आ रहा है इसका m by 2 m by 2 v square plus a into b square plus a square this is the moment of inertia of an annular disk कल हमने ऐसा ही क्वेश्चन किया लेकिन उसमें सिग्मा हमने वेरिंग रखा जेईएससी लेवल ही थी सो आई एड मैक्स सिग्मा वेरी गए बेप्रेजेंटेड हां बे है कुंजे सेंटेंस हो जाते हैं बस एम वाला भी ठीक है ठीक है अगर आपको ये अप्रोच आ रहा है तो प्रॉब्लम ठीक फिर कॉपी चलाई कर पॉज यू कैन हैव अ केस ऑफ हॉलो सिलेंडर ये रेडियस ए बार वाला रेडियस बी इसका मास एम बता क्यों एग्जैक्टली अगर भी पूछो एन्युलर डिस्क ही चाहिए कि ना एन्युलर डिस्क को हमने क्या किया एक्सपेंड किया कि नहीं मतलब स्पेशल जेड रो मुझ कितना मास इसमें भी वही भरा हुआ है इसके डायमेंशन भी वही है चपटा करते वापस डिस्क बनेगा ना तो इफेक्टिवली बेटा अब का छो याद था मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगेन विल बी एम बाय 2 into b square plus a square. मैंने आपको बोला था कल सॉलिड स्फीयर थी हॉलो स्फीयर सो करे हो किया था क्या इस आपने किया जानक अहमद कुर्ता क्या निकला जरा बता सर करियो करियो We can have a case of a hollow cylinder first of all. Hollow sphere. Sphere is a hollow sphere. ठीक. इसका mass बेटा m है और इसका से radius जो है वो r. ठीक. पहले मैं वन आकर इसे three dimensional object. अगर मुझे इसमें moment of inertia निकालना है तो क्या करना चाहिए? बेहद न्यून सुई dm element. हाँ. इसका डीएम एलिमेंट से फॉर एग्जांपल बेटा यहाँ पे हम टेकिंग इट स्मॉल एलिमेंट डीएम पहले समझना इस चीज को ये जो सिमेट्रिक स्फीयर आसान चाह आसान तेरे बना को मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस इससे इक्वल टू आई क्यों क्योंकि सिमेट्रिक है सेंटर से कोई भी एक्सिस पास करेगी एक्स एक्सिस वाई एक्सिस मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम सो हर साइड ह्यूज अब मैं चेंज जैसे रेक्टेंगल था बच्चों लेंथ साइड अलग थी ब्रेड साइड अलग क्योंकि यहाँ पे नहीं है सब कुछ यहाँ सब डायमेंशन सेम है तो इफेक्टिवली सब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट ऑल द एक्सिस विल बी सेम जस्ट पासिंग थ्रू द सेंटर ठीक तो व्हिच इंप्लाइज इफ आई डिफरेंशिएटेड तेरे बना डी आई एक्स इज इक्वल टू स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट वाई एक्सिस इज इक्वल टू स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जी एक्सिस इज इक्वल टू स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई आप चीज है दूसरी चीज से फॉर एग्जाम्पल बेटा मैंने स्मॉल एलिमेंट लिया डीएम ठीक इसके कोऑर्डिनेट्स है कुछ x कॉमा वाई कॉमा जेड ठीक छ अगर अब तो एक प्रश्न गुबर व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हाट इज द स्मॉल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस अबाउट x एक्सिस कल क्या बना सुबह क्या पढ़ा हमने हाँ dm मल्टीप्लाइड बाय क्या परपेंडिकुलर इट इज या डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस बिल्कुल परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस है कि नहीं उसी का स्क्वायर है व्हाट अबाउट डी आई वाई डी एम इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस उसी का स्क्वायर व्हाट अबाउट डी आई जी हाँ डी एम इनटू डिस्टेंस फ्रॉम जी एक्सिस इसी का स्क्वायर मान रहे हो अगर इन तीनों को ऐड कर dx dy diy diz गुना 3 टाइम्स di क्योंकि di सेम हां एक आदमी जिगर बराबर dm मेरे अंदर ही थे बट हां ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस पहले एक सेकंड में निकालता हूं बता रहा भाई समझो 3d ये समझना 3d है जरा देखो 3d कैसा है आंखा हो सब ये x एक्सिस है ये y एक्सिस है और ये z एक्सिस है ठीक इसका जो पॉइंट इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड से फॉर एग्जांपल एक इश पॉइंट है एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड ठीक है तो मैं मानते ले यहां से लेकर यहां तक एक्स है ना
और जब मैं y डिस्टेंस ले रहा हूं, जब मैं प्लेन पे बैठने वाला होता हूं, प्लेन से लेता हूं, तो मैं ये कहूं ये इस ये प्लेन जो है ये वाला, इस प्लेन से ऊपर तक ये y है, मानते हो कि नहीं? और इस एक्सिस से, z एक्सिस से जो ये आगे चला गया इतना, ये जो z, मानते हो कि नहीं? तो अच्छा, एक ही डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस है कि नहीं? ये डिस्टेंस ये देखो, ये है y, ये क्या इशू z, इशू y, ठीक है? तो अच्छा, एक ये डिस्टेंस, दिस इज द डिस्टेंस, कॉस डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, मानते हो कि नहीं? जो इसी की इनपुट ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, यहां से यहां तक x, यहां से लेकर यहां तक x है ना, यहां से लेकर टॉप से लेकर प्लेन तक y, और जो ये डिस्टेंस बनेगी, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस निकालनी है ना, चुका दिन बराबर चला ये है ना परपेंडिकुलर, ये देखो इशू प्लेन, इस पर परपेंडिकुलर अपने y एक्सिस डाली है, तो ऑब्वियसली अच्छा ये y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट है कि नहीं? ठीक है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, तब मैं बोलता हूँ डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस क्या है? x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर का स्क्वायर रूट होगा, व्हाट विल बी द डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर होगा कि नहीं? दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस, दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, एंड दिस इज द डिस्टेंस फ्रॉम, होगा कि नहीं? सिमिलरली चलो मैं मानते क्रॉस सब शूट परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस उसका स्क्वायर लेके, हाँ सो ये सुधी y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, हाँ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, शाबाश, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम z एक्सिस कितना? x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, यही है ना? चलो वन जिगर इसे नहीं आ रहा dm, यहाँ निकल रहा है डबल सारा, दिल लगा वो ट्वाइस x square plus y square plus z square. This is 3 times what? Di. Which implies di kitna aa raha hai? 2 by 3 dm into x square plus y square plus z square. Suna? Agar kaha hai ki main humne what is x square plus y square plus z square? Distance. Or dm. X square plus y square plus z square. Distance formula padhi hai na? Exactly. It is r square. Suna? पूछू यहां से लेकर यहां तक कितनी डिस्टेंस है आर? चलो डीएम का पोजीशन वेक्टर बता दो कोई, हाँ तलावन क्या उस कोऑर्डिनेट से x कॉमा वाई कॉमा जेड, पोजीशन वेक्टर क्या है डीएम में तलावन? हाँ x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप, तो यह तो पोजीशन वेक्टर, मैग्नीट्यूड कितना निकलेगा इसका? स्क्वायर रूट, शाबाश, हाँ x स्क्वायर प्लस प्लस, देखो कोई कुछ नहीं हुआ, चला एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर वन, अच्छा सो आर स्क्वायर वन जी करते, विच इंप्लाइज डी आई इज इक्वल टू टू बाई थ्री डी एम आर स्क्वायर, यू गो स्मॉल डी आई फॉर स्मॉल डी एम, फिर करो इंटेग्रेट, इंटेग्रेटिंग आई इज इक्वल टू बाई थ्री डी एम को जमा कर तो एम आएगा ना, पढ़ा होगा देखा होगा आपने, क्लियर छा? मैं छा असली डेरिवेशन हाउन के तरह बस बिचुस डेरिवेशन हाउन, मैं बोल रहा हूँ आपको जेई में जो भी क्वेश्चन आएगा, आपको नीट में क्वेश्चन आएगा, मगर उस क्वेश्चन को अगर तो जितना आप गोटा याद करोगे ना, टू बाई थ्री टू बाई थ्री टू सुचु सही, मगर उस वक्त कुछ वो चेंज करता है, पचुन आसान टू बाई थ्री रोजान क्या पचु मुबारक पल्टी का सान, मतलब इस कंसेप्ट पे अब हम सॉलिड स्फीयर को सॉल्व करें, ठीक छा? करे तो ये कॉपी चल, इसके बाद सॉलिड स्फीयर, सॉलिड स्फीयर देखा है, लेदर बॉल, अच्छा ठीक, सॉलिड स्फीयर में बेटा आपको पता है पहली चीज मास एम रेडियस आर, ठीक, इसमें मैं वही करूंगा जो इसे अप्रोच करूं, मगर मैं वहां तो आख कर सकूंगा, सॉलिड स्फीयर में जो मास डिस्ट्रीब्यूटेड होता है वो थ्रू आउट वॉल्यूम होता है,
چھنا تیل کیا کر ڈیفائن ولیوم ڈینسٹی کرا ڈیفائن کرنا وہ کیا ہوگا ذرا بتا رو سکوائر برابر ماس پر یونٹ ولیوم اس کا ولیوم کتنا ہوتا ہے اسکوائر کا 4 بائی 3 پائی آر کیوب یس اس کی پراپرٹی کیا ہے اس رو کی ملٹیپلائڈ بائی سمال ولیوم آپ کو اس کا ماس مل جائے گا مجھے بولے رو کیوں لینا ہے ماس پر یونٹ ولیوم کیوں لیا میں رو کیونکہ یہ 3D ہے میچ میں بلک اس میں ڈسٹریبیوٹیڈ ولیوم میں ڈسٹریبیوٹیڈ ہے نا تو رو جب سرفیس پہ ڈیفائن تھا تو سگما جب لائن پہ ڈیفائن تھا تو لیمڈا ٹھیک ہے یا کے اب دیکھ لیں اب اس کا اپروچ وہی ہوگا جو ہم کر رہے تھے کیا کرو ایک اسمال ایلیمنٹ ڈی ایم کس پر اس میں ہم ایسے کر سکتے ہیں وی کین ٹیک اے ہالو سفیئر ہالو سفیئر آف سے ڈی آر ٹھیک ہے ایٹ اے ڈسٹینس آف سے آر کیا چھو رنگ نہیں ہے کیا ہے تو بھائی اس کا ڈی ایم ہوگا نا ذرا بتا ڈی ایم کتنا ہوگا ڈی ایم ڈی ایم بتا رو ملٹی پلائڈ بائی ڈی اے سوری ڈی وی گئے گڑبڑ ڈی وی رو کو ملٹی پلائی کریں گے چھوٹا سا ولیوم اسی کا ولیوم یہ جو ہالو مگر اس کا ولیوم ہے ہے کہ نہیں تو میں من گڑ ڈی وی کا نہیں برابر پوچھا تو کیا بنی 4 پائی آر اسکوائر ایگزیکٹلی وچ کت کہیں جو ہے ہم نے ہالو سفیئر لیا نا اچھا کیا موجد کتنا ڈی آر اگر وہ چٹن ہے کہ نا چٹ تو چھو وچھو پلاسٹک بوٹل اس کو کاٹیں گے وہ کھولیں گے وہ کیا بنے گا شیٹ بنے گا نا لیکن تچ نا وہ موجد دیتا شیٹس تو بنے کی یوز وچ ایسا بنے گا نا یہ کیا آہستہ دیکھیے یہ پڑی اور تھا ایگزیکٹلی ڈی آر اور وہ جو تھا وہ گولائی اس کا ایریا اصل کتنا تھا 4 پائی آر اسکوائر سفیئر کا ہوتا ہی ہے تو یعنی کہ لینتھ انٹو بریڈتھ اس کا ایریا اس والے پورشن کا دیٹ از 4 پائی آر اسکوائر تو ڈی وی کتنا آئے گا 4 پائی آر اسکوائر ڈی آر کلیئر اچھا تلاوانتل ڈی ایم کا برابر شاید ڈی ایم ول بی ایکول ٹو رو کے بدلے 3 ایم بائی 4 پائی آر کیوب انٹو ڈی وی ڈی وی از 4 پائی آر اسکوائر ڈی آر ٹھیک ہے 4 پائی 4 پائی کینسل وچ امپلائز بیٹا ڈی ایم کتنا آ رہا ہے 3 ایم بائی آر کیوب انٹو آر اسکوائر ڈی آر کلیئر اچھا یہ کیا کر میں کنسیڈر واٹ ڈیڈ آئی کنسیڈر دس ایز ہالو ہے کہ نہیں آف تھکنس ڈی آر تھن تھکنس ٹھیک ہے اب اس ڈی ایم کی وجہ سے بھائی ڈی آئی ہوگا نا تر میں سکوتا ہوش ڈی آئی کیا ہے ہاں ڈی ایم انٹو نا یہ ہوئی غلطی آخ یہ کیا کر میں کنسیڈر بے سے ریپیٹ کر رہا واٹ از دس ہولو سفیئر ابھی تو ہولو سفیئر کا پڑا 2 بائی 3 ایم آر اسکوائر پورتنا یہ ہولوسفیئر ہے نا ہولوسفیئر کا مونٹ آف انرشیا کیا پڑا 2 بائی 3 ایم آر اسکوائر ہاں یہ چھو نا ہولوسفیئر اس کا ماس کیا ہے ڈی ایم اس کا ریڈیس کیا ہے سمال آر تیل کیا ہے سیمک مونٹ آف انرشیا ہاں یہ چھے گھڑ بڑھ گا سان ہاں بتاؤ 2 بائی 3 ڈی ایم انٹو آر اسکوائر سمجھ رہا ہے کی نہیں یا ٹھیک چھا یہ سو کانسپٹ چھو سون ایم آر اسکوائر سو چھو بہت یہ چھو تھی مگر یہ ماں چھو ان کے ٹوتھ ایلیمنٹ یہ اس وقت ہولوسفیئر ہے نا سمجھ رہا ہے کہ نہیں بیکاز دس از ہولوسفیئر ہولوسفیئر کا مومنٹ آف انرشیا ابھی ہم نے پرپینڈیکولر ایکسس سے نکالا یا جنرل ایکسس سے نکالا اور ہمیں پتا ہے دیٹ از 2 بائی 3 ایم آر اسکوائر یہ چھو ہولوسفیئر اس کا ماس ہم نے ڈی ایم لیا ہے تو افیکٹولی اس کا کیا ہوگا 2 بائی 3 ڈی ایم آر اسکوائر ٹھیک ہے وہاں سے جگہ پہ ڈی آئی کس کے برابر آئے گا ہاں 2 بائی 3 ڈی ایم کے بدلے کیا لکھیں گے 3 ایم بائی آر کیوب آر اسکوائر انٹو آر اسکوائر کیوں ہوگا جگہ آر ایز پر 4 ڈی آر ہے نا اسی کو انٹیگریٹ کرتے ہیں ود ان دا لمٹس لمٹس کیا تھا وہ ذرا مجھے 0 ٹو آر 1 سے 3 اینڈ 3 ول گو اٹ از اکول ٹو 2 ایم بائی آر کیوب اس کی انٹیگریشن آر ایز پر بائی لمٹس کیا 0 سے آر تک ذرا بتا شاباش 2 بائی 5 ایم آر ایز پر 5 کیا چاہیے اپر لمٹ
आर इज पर फाइव, फाइव बाहर आर क्यूब किस कैंसिलेशन, ये क्या क्यूब कटेगा इसके साथ, हम दो बज गए तो आएगा टू बाई फाइव एम आर स्क्वायर. दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सॉलिड स्फीयर अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर. ठीक वजह पत छु आसे वन मॉडिफिकेशन वन छस वारे चीज तिम छस पारनै तिम प्रसन वन एस नज यापर छन एक्सिस वन छ यापर एक्सिस तो उसके लिए हम मॉडिफाइड लॉज अ पढ़ेंगे. ठीक छ मगर यू सेस अप्रोच उस वो हमने देखो वो कैसे हम समझ आ रहा है मास इनटू आर स्क्वायर बस बीशन कम की हां कांसेप्ट लाइक माने केहन प्रॉब्लम यूज जे ई प्रसन छु सो कैश प्रसन सु दिमगु बुइन क्वेश्चन लिखो आप. You have got a 2D, two dimensional triangular lamina. हमारे पास ये है देखो फर्ज कर ले बेटा आपके पास ये है एक ट्राइंगुलर लेमिना. ठीक इसकी हाइट है h, ट्राइंगुलर ठीक है 2D है 2D. अच्छो मास m एंड एट द सेम टाइम बेटा इसका बेस विड्थ से भी है. ठीक तो अशु सवाल अप्रोच सीखा ना फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रेस्पेक्ट टू दिस एक्सिस. क्या बता इसका मास है एम है चल रहा है क्या तुम लोगों ने क्या चल रहा है इसका मास है m है ना. पूछो फॉर एग्जांपल हमने एक स्ट्रिप काटा इसमें ठीक है एक ये ऑफ थिकनेस से से dy ठीक है एट अ हाइट ऑफ से y फ्रॉम द बेस. ठीक है y किस पर वेरी है कि नहीं जैसे फ्रॉम जीरो कहीं पर भी एंड फर्ज कर ले तो अगर ये y है तो ऊपर कितना बचा एच माइनस वो एच ना शाप ये पतला है ना. अच्छा वन चीज बना ये सही कह रहा है तो इसकी लेंथ, इसकी लेंथ सपोज एल है हमें क्या मसला है. ठीक है अप्रोच क्या हो सोन असली ये से टू डी तो इसमें मास कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा एरिया में तेलवान सिग्मा क्या होना मास पर यूनिट एरिया सो मास पर यूनिट एरिया क्या है इसका हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट हाफ ऑफ बी इंटू एच सो गोना टू आइस एम बाई बी एच गोअस इको कॉर्डिनेट द आइटम. तो बेटा इसका तो होगा टी एम सुखा दस बराबर तलावान सिग्मा इंटू डी ए सुखा दस बराबर सिग्मा तो है ही सिग्मा टू एम बाई बी एच मल्टीप्लाइड बाई वॉट डी ए वॉट इज डी एल डी वाई ना एच हर्स कितना छोटा सा अमाउंट ऑफ इनर्शिया होगा छोटा सा अमाउंट ऑफ इनर्शिया डी आर को किसके बराबर होगा डी एम इंटू किसका स्क्वायर डिस्टेंस ऑफ वाई फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन ना वाई स्क्वायर तला वन जिगर डी एम कितना टू एम बाई बी एच इंटू एल डी वाई इंटू वाई स्क्वायर सुना. मगर इसमें मसला है ये तो डी आई है मगर इसे सोरे इंटेग्रेट कर मुझे ऑब्वियसली वाई वेरिएबल सुना मगर इसमें एल भी है ना ये सुना इसे बना उसको तो इस एल को एलिमिनेट करना पड़ेगा इधर वी हैव टू चेंज इट और वी हैव टू समथिंग वी हैव टू ब्रिंग दिस एल इन टर्म्स ऑफ वाई सुना बह कर नहीं मैंने क्या है मेरे टेंथस में सिमिलर ट्राइंगल्स पढ़ूं तो जो पढ़ूं مجھے پورمت ٹینس میں سملر ٹرائنگل جو چیپٹر واریا امپورٹنٹ دپا اگر تو ٹرائنگل اس یت کن سے ٹیو بی پی ٹی چھ پرمت دپا تیل چھ سائیں لاکو ٹرائنگل کی چھوٹا اور یہ بڑا ٹرائنگل یہ سملر ہوتے ہیں کیا ہوتے ہیں تو آپ نے اس کو ایل بولا نا یہاں سے یہاں تک یہ بی بولا یہ سارا ایچ بولا ہے نا اور یہ h minus y बोला बोला तला कुछ थे सिमिलर ट्राइंगल क्या बना इफ दिस ट्राइंगल इफ दिस छोटा ट्राइंगल इज सिमिलर टू द बड़ा ट्राइंगल तेल बना छोटे ट्राइंगल की बेस l है बड़े की b या इस बराबर छोटे ट्राइंगल का एपेक्स हाइट कितना h minus शाबाश h minus y बड़े का कितना h खेल खत्म l इज इक्वल टू h minus y
b upon n. ठीक छ नीट पृछान सुधार बह फिक अद प्यार बह क्या ऐसे अप्रोच हाँ यह इम्पोट अच्छा यह सब शुरू कर विच इम्प्लाइज डी आई कितना आए जरा पता टू एम बाई बी एच एल के बदले ये लिखते हैं पहले एच माइनस वाई बी बाई एच y स्क्वायर भी लिखता हूँ dy लिखता हूँ ठीक है इतना कुछ कैंसिल किया b d b को कैंसिल बेस पे डिपेंड नहीं करता पहले देखो ऑब्वियस ही बात है x से ना आपको नहीं पता चल बता कितना आएगा 2m h into h h स्क्वायर अंदर क्या रह जाएगा h y स्क्वायर माइनस y क्यूब इसी को dy इसी की इंटेग्रेशन ये आ जाएगा है कि नहीं लिमिट्स क्या थी क्वायर्स जीरो टू जरा बता आप जाना तू ही बता तुझे शोर तुझे बना आई काफी नहीं बराबर जी करते हाँ टू एम बाय एच स्क्वायर तला पानी में इंटीग्रेशन बता जाना एच वाई स्क्वायर की विद रिस्पेक्ट टू वाई एच वाई क्यूब बाय थ्री माइनस हाँ वाई फोर बाय फोर लिमिट्स जीरो टू एच ठीक है तो विच इंप्लाइज आई इज इक्वल टू टू एम बाय एच स्क्वायर इन टू वैसे जिगर एच क्यूब इंटू एच वाई एच रेस पर फोर एच रेस पर फोर सुनिएगा सुनिए बार एच रेस पर फोर बार ये वो वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर सुबह फोर माइनस थ्री बाई ट्वेल्व ठीक है क्लियर था एच स्क्वायर हुआ एच स्क्वायर इधर वन से देख एक्सप्रेशन क्या आई विल बी इक्वल टू टू एम एच स्क्वायर बाई ट्वेल्व तो क्या आएगा एम एच स्क्वायर बाई दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ ट्राइंगुलर लेमिना अबाउट द साइड उस साइड का बेस पता होना चाहिए विड्थ पता होनी चाहिए और उस साइड से जो एपेक्स है उसका हाइट पता होना चाहिए ठीक है तुम्हें चीज बुझ तुम्हें नीट इज क्या आप सवाल क्लियर गोडी कर कॉपी चल दे देखो क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन ये आ रहा है गोबर इशू स्क्वायर इशू स्क्वायर इसका साइड है ए इसको नचाया जा रहा है इस एक्सिस पे व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनर्शिया स्क्वायर का हां स्क्वायर है ना कहां से घुमाया डायगोनल स्क्वायर से 2d इशू नहीं हो प्लेन में है ना तो पंची स्क्वायर का मास m स्क्वायर का मास m ठीक इसका साइड क्या a व्हाट इज द अमाउंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस शाबाश तो अपन ट्वाइस m h स्क्वायर बाय नहीं ट्वाइस क्या ट्वाइस ऑफ 12 तूने निकला एक्सप्रेशन बता दो m स्क्वायर बाय 12 m स्क्वायर बाय 12 कितने दो ट्रायंगल का लोगे ना ऐसे हां उनका ऐड अप करोगे एग्जैक्टली लेकिन m लोगे m बाय 2 तो करेंगे क्या शाबाश हम बोलेंगे अगर गोबर ये ट्राइंगल छू इसका साइड है ए ये भी ए होगा तो ये कितना होगा रूट टू ए क्या निकालना है हमें निकालना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस है ना तो इस एक्सिस पे ये वाला हिस्सा भी घूम रहा है और ये वाला हिस्सा भी घूम रहा है इस वाले हिस्से का यू गोना ट्रायंगल बाय टू सो तो लगाने में क्या उससे हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया नेट इट विल बी इसका प्लस इसका क्योंकि सिमिलर है ब्लैक ट्वाइस आई वन आई वन एक करा था ठीक दैट विल बी इक्वल ट्वाइस व्हाट इज आई वन शाबाश हाँ हमने पढ़ा इट इज एम मास ऑफ दैट पार्ट इनटू एच स्क्वायर को इस बेस से इस एपेक्स तक कितनी हाइट है सो ना ए बाय रूट टू स्क्वायर ए बाय रूट टू स्क्वायर डिवाइड बाई ट्वेल्व सिक्स है सॉरी डिवाइड बाई सिक्स ठीक है तो बता दे इट विल बी
टू वन और टू थ्री आर, हाँ एम डैश कितना, लेकिन इस वाले हिस्से का मास कितना, एम बाई टू, अच्छा सो एम बाई टू थ्री आर सिक्स पे ए स्क्वायर और ये आएगा टू, अच्छा ठीक, तो कितना आएगा एम ए स्क्वायर बाय किस नीट जेई डाल हूत जेई चु हूत डाला जेई क्या करान जेई चु वनान ए बाय ये ना जी सिग्मा क्या मास बाय एरिया जाय कर हाफ वो क्या करता सिग्मा करता है वेरी वेरिंग सिग्मा या काटेगा कहीं से, अब काटने वाले क्वेश्चन तो हमें करने हैं लेकिन यम अप्रोच है कहीं से लास्ट फॉर द डे सॉलिड कोन हॉलो कोन पढ़ा डिस्को उंगली की थी ना अब करेंगे सॉलिड कोन लास्ट कर कौन मैंने जो बोला था पेन मैंने कहा था ना ट्वाइस मूल करेंगे आपने कहा था खुदा लास्ट में नहीं तो चाहे खुदा टैलेंट ही नहीं शुरू करूं अच्छा आप डॉक्टर हैं मंदोल चलो भाई लास्ट का सॉलिड कोन, सॉलिड कोन हमने हॉलो कोन किया था, अब सॉलिड कोन देख लो, सॉलिड कोन में फॉर एग्जांपल रेडियस है आर और इस पूरे कोन का मास बेटा है एम, ठीक कौन सी सॉलिड अच्छा आप चीज करो तो रियलाइज था आप चीज ये को मैं मिल दी तो व्हाट वाज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए हॉलो स्फीयर 2/3 एम आर स्क्वायर ओसा What is the amount of inertia of a solid sphere? हाँ, ये कम है कि ज़्यादा? वो इसे इसके? अच्छा, खबर से क्या उसमें moment? Moment of inertia जो depend करा कास पे? हाँ, ये depend करता है shape पे, ये depend करता है distance from the perpendicular axis क्या है? From the axis of rotation क्या है? Which? इसमें सारा m rim पे ही है, तो distance उस mass की from ज्यादा है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी का ज्यादा है या तुम्हें सोरी मास कंसेंट्रेटेड छुना चुनांद्रित यानी कि उसकी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस कम वेरी हो रही है ज्यादा भी है कम भी है एक्सट्रीम से मगर वारिया मौजन छे कि यूं बोल तुम छे नजदीक है तो डिस्टेंस कम होगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो गया समझो तरह इधर पड़ गया होलो होलो कौन है हमने इसका पढ़ा था एक बार एम आर स्क्वायर में पढ़ा है 0.5 एम आर स्क्वायर अच्छा वो मुझे उनकेस कहने कम गशन नेर उनके ज्यादा काम निकलना चाहिए चलो देखते हैं भाई फॉर एग्जाम्पल बेटा इसकी हाइट ऑफ एपेक्स एच ठीक वहां से क्या करो या मैं क्या करो इसमें स्मॉल एलिमेंट काटेंगे डीएम वाला याद की बढ़िया कुछ है सर गंद क्या डिस्क सॉलिड एक ही पर छे एक ही पर एंड सपोज अब चूंकि कह रहा है तो सपोज दिस इज वॉल ठीक ये डी वाई और सपोज बेटा इसका रेडियस हम स्मॉल आर मान रहे हैं ठीक बन रहा है नहीं डिस्क जरा मुझे बता इस डिस्क अब इसमें एक कोन अगर है तो आज रो मास विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम वो कितना होगा मास पर यूनिट कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच दैट विल बी 3m बाय शाबाश पाई आर स्क्वायर एच ठीक वो आप चीज इसके बाद मुझे बताओ इसका डीएम कितना आएगा फिर हाँ सी बराबर रो इंटू डीवी वो कितना आएगा रो क्या है 3m बाय पाई आर स्क्वायर एच इंटू डीवी इसका वॉल्यूम कैसे निकलेगा यू शुड नॉट इक्वल डिस्क ये डिस्क ऐसे है यू शुड थोड़ा ऐसे डी वाई रखा है और ये सपोज इसका रेडियस है आर तो ओरिजिनल एरिया था इसका पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय डी वाई फिर वो पाई आर स्क्वायर डी वाई ठीक है कैंसिल क्या गया चेंज पाई पाई चला गया तो ये आ रहा है डीएम आ रहा है विच इम्प्लाइज डीएम इज इक्वल टू शाबाश 3m बाय कैपिटल आर स्क्वायर एच इंटू आर स्क्वायर डी वाई ठीक प्रॉब्लम अब मुझे बताओ इस डीएम की वजह से डी आई कितना होगा शाबाश हाँ इट विल नाउ बिकॉज इट इज अ डिस्क
डिस्क हमने पढ़ा है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो इफेक्टिवली दिस विल बी डी एम स्मॉल आर स्क्वायर बाई टू, ठीक छा। तला वन दिस जगह यू कैन इट थ्री एम बाई आर स्क्वायर एच आर रेस पर फोर डी वाई और टू यहां पर रहेगा, ठीक है। अच्छा वन चौक मसला, यू कैन नॉट इंटेग्रेट आर विद रेस्पेक्ट टू डी वाई, तो क्या करो अगेन यू विल यूज द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट इज जब हमने इसको ऐसे काटा तो ये सिमिलर चीजें बन गई। सिमिलैरिटी के वक्त आपको पता है स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ द ऊपर वाला क्यू कोन, नीचे वाले का क्या है कैपिटल आर, सुखा था बराबर। ऊपर वाले की हाइट है वॉय और नीचे वाले की एच, सही वॉय बाई एच विच इंप्लाइज स्मॉल आर किसके बराबर आएगा आर वाई अपॉन एच। और समझ क्यों इस प्रॉब्लम कलाकार तिल सब छूट जिगर विच इंप्लाइज डी आई इज इक्वल टू थ्री एम बाई ट्वाइस आर स्क्वायर एच, ठीक। आर रेस पर फोर, तला वन क्या बनेगा कैपिटल आर रेस पर फोर स्मॉल वाई रेस पर फोर डिवाइडेड बाई एच रेस पर फोर, है ना, इंटू डी वाई, ठीक है। अब सही है तो ये आ गया थ्री एम बाई ट्वाइस आर स्क्वायर को यथ से अगर हेर कैन सिर्फ आर स्क्वायर, ठीक। यहां नीचे आएगा एच रेस पर फाइव आएगा और सिर्फ यहां पे रहेगा वाई रेस पर फोर डी वाई, इसी को आप इंटेग्रेट कर रहे हो, है कि नहीं। वन से लिमिट्स क्या देख वाइस क्या देख लिमिट्स जीरो से लेकर एच तक, शाबाश। आई इज इक्वल टू हाँ थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू टाइम्स एच रेस पर फाइव, जरा इसकी इंटेग्रेशन बताओ। हाँ वाई रेस पर फाइव बाई फाइव, सुबह ना एच रेस पर फाइव बाई फाइव, एच रेस पर फाइव को एच रेस पर फाइव से कैंसिल, तो कितना आ रहा है थ्री बाई टेन, शाबाश एम आर स्क्वायर, ठीक छा। ये टू हो सकता है गलत हो सकती है। सो विद दिस वी कम टू द कंक्लूजन ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर थ्री डी एंड टू डी ऑब्जेक्ट, ठीक। वन चाइस रोजान के हम भी बहुत सारी इश्यूज है अभी, लेकिन उनमें मसला ये कि उनमें हमें कुछ थ्योरम्स पढ़नी है, तब तक वो नहीं होगा, ठीक छा। एज से क्या होगा, डायमीटर से क्या होगा, प्लेन से अगर काटेंगे तो क्या होगा, ठीक है, कौन से इंसर्टेड, ठीक। जैसे यहां पर अब रो था, ये था, कभी कभी क्या होता है ये रो चुमा एक्सप्रेशन डायरेक्ट आंसर एंडस, यानी कि उसने तब सबस्टिट्यूट नहीं किया हो। कभी इसी रो के बारे में आपको बोला जाएगा रो यूज टू क्वेश्चन आई रो इज इक्वल टू टू एक्स, तो रो की जगह आपको टू एक्स देना है, बाकी थी अप्रोचेस थी डीएम होगा टू एक्स इन टू डीवी, ठीक छा। इधर बड़ा क्यूरियस क्वेश्चन रो इज इक्वल टू ट्वाइस एक्स बाई एच हो सकता है, जे इशू यही चीज करा काटता है, मतलब चेंज करता है इस डेंसिटी को या इसी कोन को काटेगा, वो चीजें हम देखेंगे फिर इंशाल्लाह, ठीक। बट ओवरऑल अप्रोच इज डन एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल आई मैं पास गो विद सेंटर ऑफ मास फर्स्ट टेम्पल मोमेंट ऑफ पैरेलेक्स, अभी नहीं हमने किया काटना, नहीं आप नीट में नहीं आता, नीट में सिंपल सा सवाल आता है सुचा सा, मतलब सोदा रिमेम्बर जेईई थोड़ा सा अलग पर तुम चीज कर, ठीक है। आई विल स्टॉप हियर।